अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हम लखनऊ आए हुए हैं, आज आपको इस ब्लॉग में ये पता चलने वाला है कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह सुबह उठ गए थे, अभी तकरीबन बज रहे थे यहाँ के 5:30, और हमने बहुत सुबह सुबह पापा का फ़ोन आ गया था कि उठो, क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो हमने सबसे पहले अपना कपड़ा निकाला और उस पर हमने आयरन किया। हालांकि हम आयरन करके लेके आए थे, लेकिन अब ये होता है ना, जब पहनने चलो फ्रेश फ्रेश करो तो अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर सुबह सुबह ठंडा ठंडा सा पानी हमने ले लिया था और हमने एक गिलास भर के पानी पिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि अब और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद में फिर हम गए शावर ले लिया। शावर लेने के बाद हम हो चुके थे रेडी और अभी तकरीबन बज रहे थे 6:30, और एक घंटे में लगभग हम पूरा कंप्लीट हो गए थे, अच्छे से तैयार हो गए थे। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और यहाँ पर हम अपने फ्लैट से बाहर जाने लगे थे तो मुराद देखो दरवाजे पर खड़े हैं और वो जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि मामू जा रहे हैं। तो उनका मेन मकसद है कि अगर मामू जा रहे हैं तो वो उन्हें लेकर जाएँ। वो सोच रहा है कि लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग अपना घर से निकल लिए थे और अभी ये सामने जो देख रहे हैं स्टेडियम है, ये यहाँ पर लखनऊ में जो स्टेडियम बना हुआ है उस सुल्तानपुर रोड पे हम जा रहे थे, तो सामने आपको स्टेडियम नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम लोग लेट ना हो जाएँ, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी से घर से निकल लिए थे। तो ना हमने चाय पानी कुछ बनाया, इतना सुबह सुबह उठ तो गए थे, लेकिन हमें लगा कि अरे अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ये सोच सोच के ऐसा लगा कि जब तक हम रेडी हुए तब तक हमको लगा कि अरे अब कहीं लेट ना हो जाए। फिर मैंने फ़ौरन से भैया को उठाया था और फिर भैया उठा तो वो बोला इतनी देर हो गई और तुम्हें पहले उठाना चाहिए था। तो यहाँ पर फिर हमने कहा कि हमें लगा कि अभी बहुत सारा टाइम है, लेकिन यहाँ पर टाइम पता नहीं कब निकल गया, पता ही नहीं चला। तो फिर हम लोग बस ऐसे उठे और हम तो खैर नहा धो के रेडी हो गए थे, भैया तो बस ऐसे उठा जल्दी जल्दी मंजन उंजन किया और भागा, क्योंकि बहुत लेट हो जाता। हालांकि ना हमने चाय पी ना उसने चाय पी, हमने सोचा अभी बना लेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं था इतना लेट हो गया। फिर उसके बाद में खैर वहाँ से हम निकले और यहाँ पर ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सुल्तानपुर रोड हम जा रहे हैं। और हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि आप सबके लिए सरप्राइज़ है, तो हमने सोचा कि ना हम आपको वहाँ पहुँच कर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था और हम लोगों को बस इतना ये था ना कि जल्दी से पहुँच जाएँ, जल्दी से पहुँच जाएँ। तो आज कोई आने वाला था, बहुत समन स्पेशल तो जिसका इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। और ऐसा होता ना कि जब कुछ कोई आने वाला होता है या कहीं जाने वाले हो ना, थोड़ा सा अजीब सा होता है ना, उलझन होती है कि जल्दी से पहुंच जाएं, लेट ना हो जाए ये सब। तो बस यहाँ पर हम लोग बिना खाए पिए निकले हुए हैं, तो हम लोगों के मुंह देखो कैसे बने हुए हैं खैर फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट में। और यहाँ पर भैया ने अपना पेड पार्किंग का वो लिया स्लिप और फिर अब हम लोग जा रहे थे अंदर। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है यहाँ का एयरपोर्ट, और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वहां पर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी फ़्लाइट आई है या नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब वहां पहुंच जाएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो बस बहुत ही मन में उथल पुथल मची है कि जल्दी से आ जाएं, कौन आने वाला है हम आपको वो बताने वाले हैं। तो आ जाने वाले हैं फैज़ इस एयरपोर्ट पर, तकरीबन 2.5 महीने पहले हम आए थे और फिर वो मुझे छोड़ने आए थे। अभी क्या है ना कि आज वो आ रहे हैं और हम उन्हें लेने आए हैं। तो बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो अच्छे से पहुँचे यहाँ तक, और फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा भैया आगे चला गया था, वो रूट चेंज था ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हम लोग और लेट पहुँचे। खैर यहाँ पर फिर देखें बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो ऐसा लगता है ना जो लोगों को देखो तो अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, अरे मम्मी पापा कब आएंगे, ऐसे ऐसे अपनी मम्मा से पूछते हैं। कोई मतलब बहन बैठी वहाँ इंतज़ार कर रही, कोई बैठा इंतज़ार कर रहा है, तो देख के ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। ऐसे अभी ऐसे तो जब हम खुद पे पड़ती है ना तो लगता है कि अरे हम ही अकेले ये वो, लेकिन जब लोगों की भीड़ में बैठो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग बाहर हैं सच्ची में। खैर यहाँ पर ये देखिए ट्रॉली की पूरी लाइन अंदर जा रही थी और ऐसे बना के वो लोग लेकर जा रहे थे जैसे लगता पूरी ट्रेन की पटरी बनाई है उन्होंने, ट्रेन की तरह उसको चलाते चलाते लेकर जा रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के। खैर यहाँ पर इंतज़ार
ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम इतना थक चुके थे बैठ के, तकरीबन हम लोग यहाँ पर 2-2.5 घंटे पहले आ गए। पहले क्या आए तो हम लोग टाइम ही से थे और फ्लाइट भी दिखा रही है कि आ चुकी है, और उसके बाद में बहुत सारे लोग निकल भी रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि सामने बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं निकलते हुए, बस इनको हम देख देख के थके जा रहे थे कि कब आएँगे कब आएँगे, क्या हुआ। अच्छा, वहाँ का क्या मसला हो जाता ना कि वो लोग आपको कॉन्टेक्ट भी नहीं करने देते हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल नहीं होता है, और फिर उसके बाद में ये बच्चे देखें सामने जो बैठ भाग के गए हैं अपने पापा के पास, ये बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर बैठकर कि पापा कब आएंगे। तो उसकी मम्मी बोल रही थी मुझे क्या पता ये जनाब आ गए हैं, तो चलते हैं हम आपको इनकी जर्नी दिखाते हैं कि क्या हुआ, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और कैसा रहा इनका सफ़र, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक इन्जॉय करिए। अभी तो आपने लखनऊ का हमारा इंतज़ार और बहुत सारी चीज़ें देखी, अभी आप इन जनाब की बेसब्री देखें घर पहुँचने की, कितनी जल्दी होती है इंसान को और कि वो अपने घर पहुँचे, और क्या खुशी होती है सच्ची में। हम तो सिर्फ 9 महीने रुक कर आए थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी जाएं, लेकिन हाँ वो अलग बात थी कि इनको छोड़कर आने का दुख था, लेकिन घर आने की खुशी भी थी साथ साथ। और ये देखें यहाँ पर अपना पार्लर वालर में जाके जनाब तैयार हो रहे थे। तो हमने इनको पहले से बोल के रखा था कि जब आप आइएगा तो वहाँ की सारी डिटेल मुझे डिटेल में चाहिए, ताकि हम पूरा वीडियो शूट कर सकें और हम लोगों को दोनों साइड का दिखा सकें कि हमारा एक्साइटमेंट क्या था और इनका एक्साइटमेंट क्या था। तो यहाँ पर ये देखे जनाब आने के लिए पार्लर वालर आराम से वहाँ पर मसाज चल रही है इनकी, और बहुत सारी खुशी होती है अपने घर आने की। और जब इंसान 2-2.5 साल के बाद आ रहा हो तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं हो सकता। यहाँ पर ये देखें ये सब अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे, और इनकी पैकिंग हो चुकी थी 2-4 दिन पहले, हालांकि इन्होंने मुझे बताया नहीं था। इनके साथ में और कौन आ रहा है दिखाते हैं आपको। ये दोस्त हैं हमारे, ये भी जा रहे हैं आज, इनकी 10 बजे फ्लाइट है। कहाँ जाएंगे? हमारे 9 बजे फ्लाइट है। कहाँ? लखनऊ। और लखनऊ ये भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से, ये देखो हमारी गाड़ी आ गई, हम निकल रहे हैं। बस एक मिनट भाई। ये हमारे जो है दोस्त हैं भैया, मुसलमान। मैं भाई एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। ये देखो ये यहाँ से राइट लेंगे, फिर आगे जाके अलबैग लेंगे एयरपोर्ट बैठाने के लिए। घूम गए इधर, आगे अलबैग है वहाँ पे। जल्दी भाई देखो अलबैग आ गए हम। हेलो, मेरी एंट्री हो रही भाई, हो गई। यस, अभी ये अब यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले सऊदी से इनकी जो फ़्लाइट है वो मस्कट की है, तो सबसे पहले ये वहाँ जाएंगे, और वहाँ से फिर आप वहाँ से जब निकलेंगे तो फिर लखनऊ के लिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर इनको रास्ते में नाश्ता वगैरह मिला था, तो वो इन्होंने कर लिया अपना, और साथ साथ में ये देखें जनाब मस्ती से कैसा इंजॉय किए जा रहे हैं। इनको घर आने की इतनी खुशी इनके चेहरे से झलक रही है कि हाँ बस कितनी जल्दी अपने घर पहुँचे। लेकिन इनका मसला क्या था ना, डायरेक्ट इनकी फ़्लाइट नहीं हो पाई थी। जैसे हम आए थे तो सऊदी से लखनऊ हमारा डायरेक्ट था, और इनका क्या था, इनको पहले मस्कट जाना था ओमान, उसके बाद में फिर वहाँ से इनकी फ़्लाइट थी लखनऊ की। तो ये इस तरह से आए थे। ये मस्कट एयरपोर्ट। ये देखो साहब आ गए पास। अरे होटल में कन्वर्ट कर देगा दीनार। लुटती चलती बाहर मुसाफिरी का क्या
तो अभी फाइनली ये ओमान से लखनऊ आ चुके हैं और इन्होंने अपना ट्रॉली बैग और अपना जो लगेज वहाँ से कराते हैं वो यहाँ से इनको कलेक्ट करना होता है जो भी आता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी टाइम इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद लगेज आना बंद हो चुका था। अच्छा जी, जब लगेज आना बंद हो गया तो फिर वहाँ पर बहुत सारे लोगों का लगेज नहीं आया था, तो वहाँ पता किया गया तो वो लोग बोले कि लगेज आपको कल मिलेगा, इस तरह से करके बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना वो हो जाता ना, इंसान चलता है। अच्छा इनके साथ क्या हो गया, इनके साथ नहीं हालांकि जितने लोग आए थे तो वो सबका उन्होंने क्या किया, हैंड बैग भी लगेज में कर दिया साथ में। तो अब इन लोगों के पास कोई भी सामान नहीं बचा था। तो खैर वहाँ पर फिर अपना वहाँ पर पेपर वगैरह मिल गया था कि आपको सामान आपके घर पहुँचाया जाएगा या फिर देखते हैं वहीं से कलेक्ट किया जाएगा, अभी तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दिया गया था और ये बेचारे खाली हाथ आ गए थे, सिर्फ इनके पास हाथ में जो था वो लैपटॉप बैग था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इनकी जर्नी भी बहुत पसंद आई होगी। मैंने इनको पहले से बोला था कि आप अपना पूरा डिटेल मुझे शेयर करना, तो हम अपने ऑडियंस के साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। तो इन्होंने वहाँ का वीडियो शूट किया और फिर यहाँ से हम लोग निकले थे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। तो वहाँ पर से फिर हम लोग आ गए थे अपने घर और यहाँ पर फ्लैट पर ये बार बार बेल बजाए जाते और ये रोशनी कह रही थी नेक दो पहले तब दरवाज़ा खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इन जनाब को, ये पहली बार मिल रहे हैं खालू से मुराद मेरे। तो ये देख रहा है कि कौन आया है, इतनी गौर से देख रहा था कि सोच रहा था कि कौन आ गया है मेरे घर पे। अभी तो इतने सारे लोग, मतलब जो लोग रहते हैं उन सबको पहचानता है ना वो, अभी इनको पहली बार देखा तो वो बहुत गौर से देखता है इनको कि कौन आ गया है। जब वो बोलते तो फिर वो उनसे बात भी नहीं करता था। खैर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता अपने लगाया था, तो यहाँ पर ये देखिए जनाब इनकी फेवरेट जलेबी आई थी क्योंकि इनको बहुत पसंद है इसलिए। तो यहाँ पर ये दही और जलेबी साथ साथ में इंजॉय कर रहे थे और हमने बोला और भी कुछ खा लें तो वो दही जलेबी उनको इतनी अच्छी लगती कि वो उसी को खाने में पड़े थे। और फिर उसके बाद में ये काफ़ी 2-3 घंटे के लिए सो गए थे वहाँ और जब तक बन गया था खाना, तो यहाँ पर अप्पी ने बहुत अच्छा सा गोश्त बनाया हुआ था आज, खाने में मज़ा आया। जब होता क्या ना, आप अपने हाथों से बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं तो थकावट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर खाना खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब कोई दूसरा बना के देता है तो खाना खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी सा खाना हम लोगों ने साथ साथ में इंजॉय किया और ये लोग देखें कैसा मस्ती चल रही है इन सब की। और ये जनाब पानी पी रहे थे, इनको घोल बना बना कर दिया जाता है आजकल ज़्यादा की, ताकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो पानी की कमी भी ना हो। और उसके बाद में 1-2 घंटे इन्होंने अपना आराम किया और हमें आज मार्केट भी जानी थी, लेकिन ये मार्केट जाने को अग्री नहीं हुए क्योंकि थक चुके होंगे, काफ़ी ट्रैवल करके आए थे, हमसे बोल रहे थे कि तुम चली जाओ। खैर उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, अभी हमें जाना था अपने घर वापस, मतलब ससुराल। जाहिर सी बात है फैजा आए तो वो अपने घर ही पहले जाएंगे। खैर यहाँ पर ये देखें भैया साथ में हम लोगों को छोड़ने जा रहा था, हम थे और ये थे, भैया थे। तो यहाँ से हम लोग रूट चेंज कर रहे हैं, ये वाला रूट, जैसे हम अब वैसे अपने घर जाते हैं नॉर्मल, तो हम अपने घर जाने के लिए हमें देवा शरीफ जाना पड़ता है, उधर से हम अपने घर जाते हैं और यहाँ पर इनको अपने घर जाना था तो ये बाराबंकी से जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हम लोग निकल रहे थे। और फिर यहाँ से हम निकलते हैं, घर पहुँचते हैं और घर पहुँचकर आप लोगों के साथ वहाँ की सारी डिटेल शेयर करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, जैसे कि हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोग हमारी सारी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। फिर रास्ते में आप भैया ने गाड़ी में पेट्रोल भराया और फिर वहाँ से हम लोग निकले, ये सामने आप जो हम आप बाराबंकी में थोड़ी देर रुके और फिर वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे अपने घर, मतलब कि ससुराल पहुँचने वाले थे। ये तो यार एरिया आप लोगों को पता होगा, जब हम अपना ब्लॉग शूट करते कभी कभी बाहर का पापा जाने लगते हैं तो दिखता होगा आप लोगों को।
खैर उसके बाद में आने के बाद हमने बहुत सारा काम किया। आने के बाद सबसे पहले अपने रूम को अच्छे से क्लीन किया, फिर कूलर में पानी डालना, ये तो एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके बाद में हमने घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया था, ये लाइटिंग वगैरह लगाई थी, हमने सोचा आएंगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। वैसे यहाँ होते तो शायद कुछ ज़्यादा कर लेते, लेकिन अब वहाँ थे तो जाना भी था हमें ही, तो फिर हम क्या ही कर सकते थे उसमें। खैर यहाँ पर फिर उसके बाद में हमने अपने किचन को अच्छे से क्लीन किया और चाय बनाई थी, वो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो फिर हमने उन बर्तनों को अच्छे से साफ वाफ करके उसको धुल वुल के रखे। और ये वाली चादर आज हमने चेंज की थी तो हमने इसको एज ए साइड में रख दिया। फिर उसके बाद में बस घर के सारे काम वाम ख़त्म हो गए थे और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ गए थे ये देखने के लिए कि अच्छा फैजलम चाचू आए हैं, फैजलम चाचू आए हैं। तो फिर उन सारे बच्चों को हमने ये चॉकलेट्स वगैरह बांटी, जो बस ये लैपटॉप बैग में ये सब चीज़ें लेकर आए थे तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी हमारे पास मौजूद, तो हमने फिर बच्चों को सबको टॉफियाँ बांटी। और फिर उसके बाद में दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो हमने उसी को पैसा दिया बच्चे को कि जाओ दूध ला दो। फिर इस तरह से वो दूध वूध लेकर आया, वो भी हमने पका वका के रख दिया था कि सुबह सुबह फिर चाय बनानी होती फिर दिक्कत होगी। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जिससे हमारी जो भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, आप उन वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए जिससे कि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आप तक पहुँच सकें। और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और हमने आप लोगों के लिए दोनों तरफ की जर्नी शेयर की है, कोशिश की है आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने की। तो हम आपके लिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।